खबर है गोंडा जनपद के इटिया थोक क्षेत्र की, जहां करीब 4 दशक से सरकारी नाले की भूमि का अतिक्रमण कर खेती कर रहे कुछ दबंग किसान चांदी काट रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सरयू नहर के कथित ठेकेदार की गलती का खामियाजा दर्जनों किसान भुगत रहे हैं। इटिया थोक विकास खंड ग्राम पंचायत अर्जुनपुर स्थित पेडार नाला से जुड़ा है। वर्तमान में नाला खुदाई का कार्य सरयू नहर ड्रेनेज प्रथम द्वारा कराया जा रहा है। आपको बता दें कि लाखों रुपयों की लागत होने से खुदाई में ठेकेदार द्वारा मनमानी की बात कही जा रही है। गांव के दर्जनों किसानों ने आप बीती सुनाई। पूर्व प्रधान सुल्तान शाह ने बताया कि विभाग के कथित ठेकेदार द्वारा अतिक्रमण कार्य किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए नाले के बीचों बीच खुदाई न करवा कर किसानों के खेत में जेसीबी मशीन से खुदाई करवा दी, जिससे दर्जनों किसानों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि कोई उनके सुनने वाला नहीं है। दिखे टिया थोक से पवन कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। आप कभी खोद दिए हैं? अरे हमारा ही जगह। क्या नाम है आपका? माता प्रसाद तिवारी नाम से। निवासी कहाँ के हैं? अर्जुनपुर। अच्छा, क्या किए हैं? नाला खोद खेतम खोद दिए। अच्छा, सही तरीके से खोदे हैं या गलत तरीके से? पूरा पूरा खेतम है। अच्छा, क्या ये बताइए, जहाँ नाला है वहाँ खुदाई नहीं किए हैं? वहाँ नहीं किए हैं। हम तो कहते कि हमारा चेक हमको अगल दे दे, बाकी मनो जहाँ खोल हमारा चेक हम पूरा। अच्छा, विभाग द्वारा कोई नाप वाप हुई ही नहीं हुई है? वही नहीं हुई। अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? हम जान ही नहीं पाए। क्या नाम है आपका? सुल्तान। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये पेड़ार नाला 14 लट्ठा 16 लट्ठा 18 लट्ठा 12 लट्ठा इस तरह का ये चौड़ाई में नाला है। अगर ये जीसीबी से खोद रहे हैं 3 मीटर या 4 मीटर में, तो इनको बीचों बीच से खोदना चाहिए। ये जीसीबी वाले ये ग्राम सभा के दबंग लोगों से पैसा लेके और ये हमारे गांव की तरफ सटा के नाला बना रहे हैं और मट्टी उठा के हमारे खेत में फेंक रहे हैं, और पूरा नाला खेती करने के लिए ये गाँव के लोगों को छोड़ रहे हैं कि लो तुम खेती करो, और हमारे गांव की तरफ दबा के ये नाला खोद रहे हैं। इस तरह का ये अवैध काम कर रहे हैं और बोलने पे मारपीट पे आमादा हो रहे हैं।